हेलो गाइस, दिस इज़ गगन गुप्ता एंड इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो गाइस, कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होती है? नाम से पता लग रहा है, किसी कंडीशन के बेसिस पर कुछ फॉर्मेटिंग करना। अब फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? कुछ बॉर्डर्स कर देना या फिर कुछ कलर्स अप्लाई कर देना। और हम ये करते क्यों हैं? सपोज गाइज, मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके स्कोर्स हैं, और मैं देखना चाहता हूँ कि जो कौन से स्टूडेंट्स पास हैं और कौन से स्टूडेंट फेल हैं। सपोज मेरा क्राइटेरिया है कि अगर 20 से ज़्यादा नंबर्स हैं तो जो स्टूडेंट है वो मेरा पास है, और 20 से कम नंबर्स वाले हमारे फेल हैं। सो गाइस, इसके अंदर अगर मैं कलर्स नहीं लगाता हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिजल्ट को चेक करने के लिए एक एक नंबर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर हमारा 20 से ज़्यादा है और कौन सा 20 से कम है, और उसके अगेंस्ट हम पास फेल लिख सकते हैं। सो गाइस, एक तो मेथड यह है। दूसरा मेथड यह है कि जितने भी हमारे 20 से मार्क्स ऊपर हों उसको हम ग्रीन कलर से मार्क कर दें, और जितने नीचे हो और वो रेड कलर से मार्क कर जाए, और ये सब ऑटोमेटिकली हो। सो गाइस, इसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कि किसी कंडीशन के बेसिस पे हमने क्या करा, कुछ कलर्स अप्लाई कर दिए। तो इससे क्या होता है, हमें एनालिसिस करने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है और हमें नंबर्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं होती। या तो हमारे पास एक मेथड है कि हम एक एक इंडिविजुअल नंबर्स के ऊपर फोकस करें, या फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के उस हम दूर से ही हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा एरिया ऐसा है जो कि ग्रीन में है या फिर किसी दूसरे कलर के अंदर है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कुछ पॉजिटिव हो रहा है या फिर कुछ दूसरे कलर के अंदर जो कि नेगेटिव साइड शो कर रहा है उसके अंदर कुछ नेगेटिव हो रहा है। सो गाइज, दिस इज द बेस्ट बेस्ट मेथड टू एनालाइज द थिंग्स। सो दिस इसी की वजह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। अगर मैं इसका लाइव एग्जाम्पल दूँ कि हम लाइट्स या फिर हम कलर्स का या फिर लाइट्स का क्यों इस्तेमाल करते हैं, अगर हम आप देखेंगे कि रोड्स के ऊपर हमारे पास रेड लाइट्स होती हैं, सिग्नल्स होते हैं। सो गाइस, वहाँ पे सिग्नल्स के अंदर लाइट्स ही क्यों लगी होती है हमेशा? रेड लाइट या ग्रीन लाइट, हमेशा वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता कि गो लिखा हुआ हो या फिर स्टॉप लिखा हुआ हो? क्योंकि गाइस, जो पास वाले बंदे हैं, जो रेड जो सिग्नल्स के आसपास है, वो तो पास से देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूर वाला बंदा है तो वो उस टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकता। सो गाइस, लेकिन अगर रेड लाइट होती है तो ईजिली दूर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्रीन लाइट है तो इसके में हमें मूव करना है, और रेड लाइट है तो हमें स्टॉप करना है। सो गाइस, इसी वजह से वहाँ पे लाइट्स होती हैं। सेम अगर मैं उसका एग्जांपल एक्सेल के अंदर लेकर आऊँ, तो एक एक नंबर के ऊपर फोकस करने की बजाय अगर मैं सिर्फ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ या फिर सिर्फ कलर्स अप्लाई कर देता हूँ, तो हम दूर से देख सकते हैं, यानी हमें एक ग्लिम्स पे पता लग सकता है कि कौन सा एरिया हमारा पॉजिटिव साइड पे जा रहा है और कौन सा एरिया हमारा नेगेटिव साइड पे जा रहा है। और इस तरीके से हम सिर्फ नेगेटिव साइड वाले के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ताकि हम कुछ प्रोडक्टिव उसके ऊपर कुछ कर सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें। सो गाइस, दिस इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के दो मेथड्स होते हैं। एक तो होता है कि मैं एक डेटा सेट के ऊपर एक ही कंडीशन अप्लाई कर दूं और उसके ऊपर उसके बेसिस पे कलर्स अप्लाई कर दूं। दूसरा मेथड होता है, हम बहुत सारी कंडीशंस पहले लगा सकते हैं और उसको एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यह तो एक मेथड है कि एक एक करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई जाए। एक तरीका है, आप बहुत सारी कंडीशंस एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगा सकते हैं और किस किस मेथड से लगा सकते हैं। सो गाइस, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डेटा सेट है एक, इसके अंदर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहता हूँ। सो मैं सपोज ये डेटा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आप ऑप्शन देखेंगे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है आपका हाईलाइट सेल्स रूल्स। सबसे पहले है आपका ग्रेटर देन। सो गाइस, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ नंबर्स एंटर करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। सपोज मैंने लिख दिया 50, इट मीन्स ग्रेटर देन 50, यानी 50 से जितने भी बड़े नंबर्स इस एरिया के अंदर होंगे जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, वो सारे हमारे किसी कलर से हाईलाइट हो जाएंगे, या फिर वो कलर्स जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, येलो चाहिए, ग्रीन चाहिए, या फिर कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट का मतलब यहाँ से कोई कलर्स आपको चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज वन मेथड फॉर ग्रेटर देन नंबर्स। सेकेंड इज लेस देन, इसका जस्ट अपोजिट है, इसके अंदर आपको नंबर्स दे सकते हो जिससे छोटे नंबर्स सारे के सारे इस जितना भी हाईलाइट एरिया है इसके अंदर हाईलाइट हो जाएंगे। बिटवीन के अंदर हम एक रेंज दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया 24 to 69, तो 24 to 69 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स हमारे हाईलाइट हो जाएंगे। इस पर ओके करते ही देखिए, फिर से चलते कंडीशन फॉर्मेटिंग पे। नेक्स्ट है आपका इक्वल टू। गाइस, इक्वल टू का मतलब होता है एग्जैक्ट नंबर, यानी कि मैं यहाँ पे जो भी नंबर लिखूंगा सिर्फ वही नंबर वो हाईलाइट होगा, बाकी और कोई नंबर नहीं होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 28। सो गाइस देखिए, सिर्फ 28 ही है इसमें हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं इसमें लिख देता हूँ सपोज 100, तो 100 इसके अंदर है नहीं तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा। इट मीन्स इक्वल टू मीन्स हमें एक एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे देना होता है। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट दैट कंटेन्स। गाइस, इसका मतलब होता है सपोज आपके पास यहाँ पे एक टेक्स्चुअल फील्ड है, तो इसके अंदर अगर मैं देखना चाहता हूँ कि जो भी नेम्स, जिस भी नेम्स के अंदर ए एन एक साथ आ रहा है, या फिर जिसके अंदर ए आ रहा है, या फिर जिसके अंदर ओ एच एक साथ आ रहा है, उन सारे नेम्स को वो हाईलाइट कर दे, तो इसके अंदर हम जा सकते हैं यहाँ पे और टेक्स्ट दैट कंटेंस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए एन, तो ए एन जहाँ पर भी एक साथ आ रहा है वो नेम्स हमारे हाईलाइट हो रहे हैं। अगर मैं लिखता हूँ ए एम, तो ए एम जहाँ पर भी आ रहा है वो सारे नेम्स एक साथ हाईलाइट हो रहे हैं। सो गाइस, दिस इज वन मेथड।
नेक्स्ट यूज करते हैं डेट अकरिंग. डेट अकरिंग का मतलब क्या होता है गाइस, लेट मी जस्ट क्रिएट सम डेट्स ओवर हियर. सो गाइस सपोज मेरे पास यहाँ पे कुछ डेट है, मैं यहाँ पे एक आज की डेट एंटर कर देता हूँ और -1 -5. सो गाइस यहाँ पे मेरे पास कुछ डेट्स हैं, इसके ऊपर मैं सेलेक्ट करता हूँ. वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाली फील्ड पे चलते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ए डेट अकरिंग पे क्लिक करते हैं. अब देखिए गाइस यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है आपका यस्टरडे, यानी जितना एरिया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा हुआ है इसके अंदर अगर कल की डेट अगर आ रही होगी कहीं पर तो वो हमारी हाईलाइट हो जाएगी. इसी तरीके से टुडे यानी आज की डेट होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगी. इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट 7 डेज में जितनी डेट्स होगी वो हाईलाइट हो जाएगी. इसी तरीके से गाइज यहाँ पे दिस वीक, नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ, अकॉर्डिंगली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट है डुप्लीकेट वैल्यूज. सो गाइज इसके नाम से ही पता लग रहा है, सपोज मैंने इस एरिया को सिलेक्ट यहाँ पर किया है, इस एरिया के अंदर यानी जितनी भी डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ हैं यानी वो वैल्यूज़ जो एक से ज़्यादा बार आ रही है उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ. तो हम फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज़ पर क्लिक करेंगे. देखिए गाइस जितनी भी डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ है सारी की सारी हाईलाइट हो रही हैं. इसके अंदर एक ऑप्शन होता है आपका यूनिक का, यानी कि यूनिक का मतलब होता है जो एक ही बार आ रही हैं. तो जितनी भी आपकी यूनिक वैल्यूज़ हैं वो सारी आपकी हाईलाइट हो रही हैं. सो दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन. नेक्स्ट चलते हैं टॉप एंड बॉटम. यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है टॉप 10 आइटम्स, इट मीन्स जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स आपके ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे, यानी जो सबसे बड़े नंबर्स हैं आपके 10. इसमें आप इसका काउंटिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि 13 मीन्स 13 सबसे बड़े नंबर्स. अगर मैं इसको कम करता हूँ इट मीन्स 4, यानी कि टॉप के 4 नंबर्स. इसी तरीके से टॉप 10 परसेंटेजेस है गाइज, अगर आपका डेटा परसेंटेजेस के अंदर है तो इसके अंदर टॉप 10 परसेंटेजेस आपका शो करेगा. बॉटम 10 आइटम्स जस्ट टॉप 10 आइटम्स का बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि जो सबसे छोटे 10 नंबर्स हैं उसको हाईलाइट करेगा, या फिर उसकी नंबर्स की काउंटिंग भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं. बॉटम 10 परसेंटेज यानी कि टॉप 10% का परसेंटेज का जस्ट अपोजिट, यानी जितने भी आपके परसेंटेजेस के अंदर डेटा है उसके अंदर जो आपके सबसे छोटे टॉप 10 परसेंटेजेस हैं उसको वो हाईलाइट कर देगा. नेक्स्ट है आपका अबव एवरेज. गाइस अबव एवरेज का मतलब क्या होता है, लेट मी जस्ट टेक आउट द एवरेज ऑफ दिस डेटा, एवरेज, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं, क्लोज द ब्रैकेट. सो गाइज इस डेटा का जो एवरेज है वो है 40.4567. सो हम इस डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, हम अबव एवरेज पर क्लिक करेंगे. इसके अंदर क्या होगा गाइज, पूरे डेटा को जितना हमने सेलेक्ट कराया इसका पूरा एवरेज निकालेगा सिस्टम बैकग्राउंड में, और उस एवरेज से जितने भी बड़े नंबर्स होंगे उन सबको वो हाईलाइट कर देगा. सो गाइज आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे नंबर्स हाईलाइट हो रहे हैं सब 45.67 से बड़े नंबर्स हैं. ये गाइज आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप ही ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करता है एवरेज और उसके अकॉर्डिंगली वो अप्लाई कर देता है, उससे बड़े नंबर जो उसको मिलते हैं. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एवरेज निकाली है. इसका जस्ट अपोजिट है गाइज बिलो एवरेज, इसी तरीके से काम करेगा, यानी इसकी एवरेज निकालेगा और उसकी एवरेज से जितने भी छोटे नंबर्स हैं उन सबको वो हाईलाइट कर देगा. सो गाइज इस वीडियो के अंदर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बाकी के ऑप्शंस. थैंक यू गाइज.